मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो जैसे कि आपका पता है, प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 166 एपिसोड होने जा रही है, और ये सफ़र जो कि 2018 में शुरू हुआ था आज भी वो रवा दवा है। और हमारी कोशिश होती है हम हमेशा आपसे ऐसे लोगों को मिलवाएं, ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात कराएं जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए, अपने अदारों के लिए, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया होता है, और आज भी उनका सफ़र वैसे ही जारी होता है। जी हाँ, आज मेरी कुछ नसीबी है एक ऐसे डायनामिक पर्सनैलिटी से मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। यकीन मानिए, दोस्तों का दोस्त है और भाइयों का भाई है वो, इससे बल्कि अगर बाई प्रोफेशन की बात करूं तो पाकिस्तान में इस वक्त, यानी कि अगर मैं यानी कि कानून की बात करूं, कानूनदान की बात करूं, तो उनसे बड़ा नाम कोई इन दिनों में सुनने नहीं आता होगा। आप देखते होंगे एक हंसता मुस्कुराता चेहरा। जी हाँ, मैं ज़्यादा बातें उनसे करूँगा, हंसता मुस्कुराता चेहरा जब मैं बात करूँ तो एक ही कानूनदान का नाम मेरे सामने होगा, और वो है मियाँ अली इशफाक साहब का। मियाँ अली इशफाक साहब के बहुत सारे फतूहात है, और उनकी उम्र को ना देखिएगा, उनके कामों को देखिएगा। आजकल तो मैं बल्कि मियाँ साहब को कहता हूँ, मियाँ साहब आप जाते हैं तो उसको साथ ले जाते हैं, कभी जाते हैं कभी किसी को वापस ले जाते हैं। मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के नामवर कानूनदान हैं, और ये सफ़र उनका सक्सेस स्टोरी उनकी जारी है। आज हम जानेंगे ख्वाबों से तबीयत तक इस सफ़र में कि मियाँ साहब का तल्लक कहाँ से है, मियाँ साहब के बचपन के ख्वाब क्या थे, बचपन में सोचते क्या थे, और वह ख्वाबों की तबीयत वो उनको मिल गई है कि नहीं, कि आज भी वो उसी सफ़र की तरफ गामजन है। तो मेरे साथ रहिएगा, मियाँ अली इशफाक साहब के साथ आज का सफ़र बहुत हसीन होने वाला है, तो देखते हैं ख्वाबों से तबीयत तक। जी मियाँ साहब, वेलकम टू माय शो। ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र है पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज है, और आज मियाँ साहब मुस्कुराता चेहरा जैसे मैंने कहा है। मियाँ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे क्या राज है? हमेशा माशाल्लाह एक वकील हो और बंदा मुस्कुराता हो, ये मैं समझता हूँ, मुझे ये थोड़ा सा समझाइएगा। सबसे पहले शाहिद भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू। इंसान को ज़िंदगी में खुश अखलाक होना चाहिए, इंसान को हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए। आपकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी जो है वह बहुत से लोगों के लिए, ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किल भी हों और आपको लोग हंसता देखें तो आपकी सिर्फ हंसी की वजह से या आपके मुँह पर एक अच्छा जो है वो तासर होने की वजह से जो है वो एक लाइटर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और जब भी आप सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी जहाँ पे इतना डिस्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है, यहाँ पे भी अगर आप जो है वो अपने जब इखलाकियात जो है वो जब लोगों के साथ शेयर करते हैं और एक अच्छे तरीके से उनसे डील करते हैं और हमेशा एक हैप्पीनेस शेयर करते हैं, तो उनके बहुत से दुख और गम जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये एक वजह है जिससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी सेहत पे भी असर पड़ता है। तो कोशिश हमेशा है कि अच्छे हंसते मुस्कुराते रहें, और अगर हमारे हंसते मुस्कुराने की वजह से किसी के चेहरे पर जिस तरह आप अभी जो है वो स्माइल कर रहे हैं, अगर ये भी आती है तो आई मीन इट्स अ गुड थिंग। तो मैं इसी वजह से अपने आप को ज़रा कोशिश करता हूँ कि एक सादी तबीयत के साथ जो है वो एक हंसता मुस्कुराता जो है वो चेहरा साथ रखें। लेकिन अमूमन मियाँ साहब, आपके प्रोफेशन में जितने हम एडवोकेट देखते हैं, वकील हजरात देखते हैं, वो इस तरह से होते नहीं, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये सरप्राइजिंग था माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। आमीन। शायद भाई, बुनियादी तौर पर जिस वक्त हम काला कोट पहनते हैं और अपने एक प्रॉपर अटायर में, यूनिफॉर्म में जो है अदालतों में जाते हैं, तो आप यकीन करें कि हम एक इंतहाई एक मुख्तलिफ किस्म की, संजीदा किस्म की शख्सियत जो है और एक मुख्तलिफ किस्म के किरदार में जो है वो पेशा वराना रोल में सामने आते हैं। वहाँ पर हमारे लिए हंसना जो है वो हमारी पेशा वराना
जो जिम्मेदारियां हैं उसकी वजह से एक बहुत मुश्किल फेल होता है। तो जब भी हमारी जिंदगी में हम इस तरह एक थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से डिफरेंट हटके जो है वो एक अपनी पर्सनल या अपनी सोशल लाइफ में अपने आप को कैरी करते हैं, तो उस वक्त हमारा एक मिजाज और एक अपनी शख्सियत जो है वो एक मुख्तलिफ शख्सियत के साथ सामने आते हैं। तो शायद मुमकिन तौर पर ये एक वाज़े फर्क है कि आपकी पेशा वराना जिंदगी क्या है और आपकी ज़ाती जिंदगी में और आपकी मौशी जिंदगी में आप किस तरह अपने आप को कंडक्ट करते हैं। जी मियाँ साहब, आपको पता है जैसे कि मेरा फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीयत, तो मियाँ साहब बचपन के वो ख्वाब लाहौरी मुंडा जी ठीक है, और ये लाहौरी मुंडा कहाँ से खेलता खेलता और यहाँ तक कैसे पहुँच गया, और एक टाइम ऐसा भी आया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आप पहचान बन चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर भी, और आपके क्रेडिट्स में बहुत सारे काम हैं जिसको अगर मैं गिनवाना भी चाहूँ तो शायद ये मेरा इंटरव्यू का टाइम कम पड़ जाए, लेकिन मेरे लिए ऑनर की बात है। तो मियाँ साहब बताइए कि आपके बचपन के वो ख्वाब वो क्या थे और बचपन कहाँ पर गुजरा, कहाँ पर स्कूलिंग हुई, थोड़ा सा ये हटके हमारा फॉर्मेट है, हमारे व्यूज जानना चाहेंगे आपकी पर्सनैलिटी को। शायद भाई बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। मेरा मेरे वालदैन मेरे वालिद साहब और मेरे दादा जो हैं वो लाहौर से हैं, और हम लाहौर से लाहौर में एक पुराना इलाका है, बड़ा मशहूर इलाका है बागवानपुरा, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी से हैं, एंड वी फील वेरी यू नो प्लेजेंट कि लाहौर शहर में एक अराई ट्राइब एक ऐसा ट्राइब है जिसकी डोमिनेंस या जिसकी मेजॉरिटी जो है वो काफ़ी रही है और लाहौर की है रही है और ख़ासकर है भी, तो माजी के सीगर में मैं इसको लेके चलता हूँ। तो वो एक बड़ी अच्छे तरीके से जब मेरा ब्रॉटअप हो रहा था तो इन चीज़ों को मैंने रियलाइज किया कि लाहौर शहर में आप मतलब मेरे वालदैन और मेरे बुजुर्ग जो हैं वो जमींदार भी थे, कारोबारी तबके से भी ताल्लुक़ रखते थे, तो हमारे जितनी भी जमींदारी है वो लाहौर में बांध रोड के साथ ही हमारा एक आबाई जो सारी ज़मीनें हैं वहाँ पे एरिया है, और उसके बाद फिर मेरा जो बचपन है वो ज़्यादातर मुस्लिम टाउन और अलामा इकबाल टाउन के करीब गुजरा। तो मेरे वालिद साहब जो हैं ही वॉज वन ऑफ द अर्ली वंस जो कि बागवानपुरा से, जब पुराने शहर की बात कर रहा हूँ 70s 80s में, ही माइग्रेटेड विद इन द सिटी, माइग्रेशन जो है वो ओल्ड सिटी से न्यू सिटी जो उस वक्त बन रही थी, उस वक्त लाहौर का जो मॉडर्न एरिया था वो गुलबर्ग से एक्सटेंड करता हुआ अलामा इकबाल टाउन जो टाउन्स बन रहे थे, और जो फिर इसके बाद मुस्लिम टाउन और इस तरह के गार्डन टाउन्स, ये टाउन्स जो बन रहे थे, तो वहाँ पे शहरी इलाके की तरफ जो है वो आए, लाहौर शहर से ही उसके देहाती इलाके से लाहौर के एक लाहौरी शहरी मॉडर्न सिटी की तरफ जो है वो आए। और फिर मेरे वालिद साहब और जो मेरे बाकी फैमिली के लोग हैं कुछ डी एच ए आ गए, कुछ बाकी सारे एरियाज में आना शुरू हो गए, ये 80s में फिर इन्होंने काफ़ी लोगों ने वहाँ से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन बावजूद इसके कि मेरी 30-40-50% फैमिली जो है वो वहीं पे बागवानपुरा में, बिकॉज देवर सेटल्ड देवर हैविंग देयर बिजनेसेस, कुछ फ्लोर के बिजनेस में चले गए, कुछ स्टील के बिजनेस में चले गए, कुछ वेडिंग हॉल्स में चले गए, कुछ कोल्ड स्टोरेज में आर्ट में चले गए, बिकॉज वो एक जमींदार फैमिली थी, उन्होंने अपनी ही जो एक लेगेसी थी हमारे दादा की या बुजुर्गों की, चूंकि पुराने अदवार में हमारी पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन में 70% आबादी जो है वो ज़रई एग्रीकल्चर जो है वो एक साइड से रहा है, ये एक पुराने हमारे बुजुर्गों के प्रोफेशन रहे हैं, और इसी से ही फिर इस तनाजुर में आगे बढ़े। तो मेरा जो पहली दर्सगाह थी वो स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल था मुस्लिम टाउन में लाहौर में, और उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गया, एफ सी कॉलेज में, आई वॉज देयर फॉर अबाउट 4 ईयर्स, वहाँ से फिर मैंने इंटर बैचलर्स करने के बाद फिर मैं लाहौर में एक हमारा ये गुलबर्ग में एक इंस्टीट्यूट है टेल्स द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़, वहाँ से मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर मैंने एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से एमएससी की मैथ्स कम्युनिकेशन में, उसके बाद मैं अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिकल साइड पर चला गया, एंड सब्सिक्वेंटली फिर मैं लंडन चला गया, मैंने बीपीपी लॉ स्कूल में हॉलबर्न से जो है वो एक सबसे पहले मास्टर्स ऑफ लॉ किया कमर्शियल लॉ में, कंपैरेटिव कमर्शियल लॉ में, ट्रांसनेशनल क्रिमिनल जस्टिस में, और फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड प्रोडेंशियल फाइनेंशियल एंड प्रोडेंशियल रेगुलेशंस में। तो उसी दौरान जब मैं बैरून मुल्क इंग्लैंड में तालीम हासिल करने गया तो फिर मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं वहाँ पे एक बड़े एक दी इंटरनेशनल इकोनॉमिक राइट सिम्पोजियम में आई वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सिम्पोजियम कमेटी, वहाँ पर फिर मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम गुजारने का मौका मिला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिर मैंने बहुत से लोगों से इंटरनेशनल नेटवर्किंग जो है वो की, और वहाँ से फिर मुझे यूएस जाने का मौका मिला, आई वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, तो बहुत से सेमिनार्स, बहुत से इंटरनेशनल सिम्पोजियम्स, बहुत सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का मुझे टाइम एंड अगेन सिर्फ नॉट एज अ पार्टिसिपेंट बट एज अ ऑर्गेनाइजर भी ज्वाइन करने का मौका मिला, और मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया। फिर मैं पाकिस्तान वापस आया और मैंने अपनी प्रैक्टिस को रिज्यूम किया, और रिज्यूम करने के बाद फिर मैं एक दफ़ा इंग्लैंड गया और मैंने अपना बारह लॉ जो है कम्प्लीट किया,
तो ये मेरी एक एजुकेशनल जो है वो डायनामिक्स है। बचपन, आप यकीन करें कि मुझे बचपन में कभी नहीं पता था दैट आई एम गोइंग टू बी अ लॉयर, कोई आइडिया नहीं था। और मैंने अपना जो गोल्स हैं उनको कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म बनाए थे, बट इवेंचुअली मेरे माइंड में स्कूल लेवल पे कभी भी नहीं था कि मैंने जिंदगी में कौन से प्रोफेशन को ज्वाइन करना है या मैं क्या करूँगा। बिकॉज हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में अगर हम 20-25 साल पहले जाएं तो रवायती तौर पर जो है वो सोचा जाता था कि बच्चा या आर्मी में जाएगा या ब्यूरोक्रेट बन जाएगा या इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, ज्यादा से ज्यादा फिर वो वकील बन जाएगा, तो ये 5-6 साल ये अपना बिजनेस करेगा। तो फिर हमने गुजरते वक्त और हालात के साथ देखा कि हमारी पाकिस्तान में भी जो वैरायटी ऑफ कैरियर्स हैं वो ऐड ऑन होना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि ये रोबोटिक्स इंजीनियरिंग भी हो सकती है, फिर हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बन सकते हैं, एरोस्पेस बन सकते हैं, और फिर बहुत सी वैरायटी ऑफ फिर कंप्यूटर साइंसेज जो है वो आगे आ गई। तो फिर एक नई इंडस्ट्री जो है मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी हमारी सोसाइटी का रुझान बना। लेकिन जिस जनरेशन से मैं हूँ, 90s की जनरेशन से, वहाँ पे जो हमारा स्कोप था अपने फ्यूचर कैरियर का वो लिमिटेड था। जो 2000 और 2010 के बाद जो जनरेशन आ रही है उनके पास बहुत बड़ा स्कोप और मार्जिन जो है वो उनके पास सामने आ गया। सो अब अगर हम चीज़ों को इस तनाजुर में देखें तो मैंने अपना जिस वक्त प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन थी तो कोई प्लान नहीं था। कॉलेज में गया तो यहाँ तक यही था कि चले इंटर बैचलर्स करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। तो बैचलर्स में जब मैंने ग्रेजुएट हुआ तो फिर हमारे दोस्तों में 5-6 दोस्त हम इकट्ठे बैठे, तो कुछ ने कहा यार देखो मैंने लॉ करना है, कुछ ने कहा मैं जर्नलिज्म में जा रहा हूँ, कुछ ने कहा यार मैंने मास्टर्स करना है किसी और फील्ड में। तो हमारे एक दो दोस्तों ने लॉ में एडमिशन ले लिया और उन्होंने फिर मुझे परसुएड किया कि यार ये लॉ कर लो। वहाँ पे फिर ये एक ऐसा वक्त था जहाँ पे मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था कि अच्छा चलो अब मैं इसके बारे में, चूंकि अब वक्त भी आ गया, सोचते भी हैं। सो सम हाउ और द अदर आइदर द लॉ हैव चोजन मी और आई हैव चोजन द लॉ। तो मैंने फिर जो है वो LLB में एडमिशन लिया। LLB के मेरे पार्ट 1, 2, 3 में हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड्स थे, एंड जो यूनिवर्सिटी और स्कूल का एक अपना स्कोप था उसमें, एंड आई टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड यू नो स्टूडेंट ऑफ लॉ। और फिर मैं अभी थर्ड ईयर में ही था कि हमारी एक मिनी प्यूपलेज या इंटीमेशन या आपकी जो एक आप जाते हैं जब आपकी वेकेशन आती हैं तो आप बहुत सी लॉ फर्म्स को ज्वाइन करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। तो मैंने फिर उसी प्रोग्राम के तहत जो आगे बढ़ते हुए एक प्रैक्टिस का अमल भी जो है थर्ड ईयर लॉ में स्टार्ट कर दिया। बाय द टाइम आई बिकेम अ लॉयर और मैंने प्रैक्टिस बाजाबता तौर पर शुरू की, आई टर्न आउट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ। जो ही मैंने प्रैक्टिस का पहला साल था उसी में ही मैं इस हद तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट मेरी हो गई और इतना मैंने पैशनेट होके इसको शुरू किया दैट आई स्टार्टेड लाइकिंग इट सो मच। इतना मुझे पसंद आना शुरू हो गया, इतना मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैं 24-24 घंटे में 20-20 घंटे 18-18 घंटे जुनूनी तौर पर और बिल्कुल एक जज्बाती लगाव मेरा इस पेशा वराना एक अमल से शुरू हुआ। और मेरे पेरेंट्स जो है बल्कि मुझे वो डिस्करेज करते थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम 8-9 घंटे काम किया करो, इतना ज़्यादा ना किया करो। तो पर वो मैं एक अपने पैशन की वजह से, सेल्फ ड्रिवन पैशन की वजह से और इंटरेस्ट की वजह से, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वकालत के पहले ही साल में जो है बड़ी अच्छी पहचान दी, बड़ी अच्छी शनाख्त दी, मुझे काम बड़ी जल्दी जो है वो करना आ गया, मिलना भी शुरू हो गया और करना भी आ गया। और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी भी दी कि इब्तदाई स्टेजेस पे कामयाबी की वजह से जो है वो मुझे मजीद काम मिलना शुरू हो गया। तो हमारे एक वकालत में बुजुर्ग थे, उनसे मैंने एक दफ़ा एक क्वेश्चन पूछा कि जी व्हाट इज एडवोकेसी, ये किस चीज़ का नाम है। और किसी मुझे 2-3 डेफिनेशन लोगों ने बताई, तो एक बुजुर्ग वकील थे उन्होंने मुझे लाहौर हाई कोर्ट के एक बार रूम में बताया कि देखो वकालत 2 लफ्ज़ों में शुरू हुई थी और उसी में ख़त्म हो गई, काम आंदा होए तो काम आंदा है, अगर आपको काम करना आए तो आपके पास काम आ जाता है, और अगर आपको आपके पास काम आए तो आपको काम करना आ जाता है। तो आई वॉज लकी इनफ के दोनों ही पहलुओं से मैं एक कामयाब, एक अल्लाह ताला ने मेहरबानी मेरे मुकद्दर में लिखी, ये यकीनन अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फज़ल से, अल्लाह के जो आप पे मेहरबानी है उसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। तो ये अल्लाह की ही खास मेहरबानी की बुनियाद पर मेरे पास काम आया भी, जिसकी बुनियाद पर मुझे काम करना आ गया, और जो जो मुझे काम करना आता गया तो मुझे और काम जो है वो मिलता गया। तो छोटी उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बेपनाह कामयाबियां दी। और फिर मैंने अब जो विजन की बात करते हैं, जिस तरह आपने आपके ख्वाब जो है, तो फिर जब मैं एक लॉयर बना और एट द बिगिनिंग पहले ही केस में जब मैं अदालत में गया और मैंने देखा कि अच्छा ये सारा काम किस तरीके से होता है, बड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन ये मैं
बआसानी कर दूंगा, मुझे मसला कोई नहीं है. तो दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मैंने आई फिगर्ड इट आउट के आई कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट, यू नो आई मीन टॉप प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर ऑफ द कंट्री, और ये मैंने बनना है और ये मैं बआसानी कर दूंगा. बआसानी इतना कर दूंगा कि आई कैन डू इट, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत जो है वो करनी होगी और मुझे यकीन है कि मैं कर जाऊंगा मेहनत. और अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर दुनिया में कौन करेगा? पूरी दुनिया में जो कामयाब लोग हैं उनको एक सख्त मेहनत के अमल से गुजर के आके जाना पड़ता है. तो वो फिर मेरा एक टर्निंग पॉइंट था करियर का. द प्रैक्टिकल लाइफ में आके मैंने डिसाइड किया कि अब इवन द स्काई इज नॉट गोइंग टू बी द लिमिट, और हम अपना काम जो है वो भरपूर मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी दलेरी से और पूरी काबिलियत से करेंगे. बाकी ये हो नहीं सकता कि अगर इंसान आपको अल्लाह उसकी जजा न दे और अल्लाह उसमें बरकत ना डाले. तो ये एक जनरल रनडाउन है शायद भाई, जिसके थ्रू मैं अपनी जिंदगी में इस तरीके से आगे बढ़ाऊँ. और फिर अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी, फिर मैं पूरे मुल्क भर में गया. सर इसके ऊपर मजीद बात होगी, ये नहीं कि ये सफ़र आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है. मियाँ साहब, माधो लाल हुसैन की नगरी में पलने वाला बच्चा और दाता साहब के यानी कि सराउंडिंग से होता हुआ सेंटर मॉडल से होता हुआ ये बच्चा, कभी सोचा था कि इक्तदार में बैठे ईमानों में उस बच्चे का जिक्र होगा? तो ये एक बहुत बड़ी, ये वही ख्वाब था जो आपने बचपन में कभी ऐसा सोचा था? देखें शायद भाई, बचपन में ये तो मैंने लाजमी सोचा था कि मैं ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कामयाब शख्स बनूंगा, और ये मुझे बड़ी क्लैरिटी और कन्विक्शन थी. और ये भी मुझे 100% पता था कि इसके लिए मुझे बेहद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मुझे ये नहीं होगा कि बैठे बैठे ये सब चीज़ें मुझे मिल जाएं. और आप यकीन करें कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, और ये पूरे मुआशरे की अक्कासी कर रहा हूँ मैं, वो बहुत कम लोग होते हैं जो कामयाबी जो है जिनके मुकद्दर में लिख दी जाए और वो उनकी झोली में डाल भी दी जाए आपको. अदरवाइज जो है वो बड़ी हार्ड अर्न्ड किस्म की जो है वो एक रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, सक्सेस अर्न करनी पड़ती है. इवन इन फाइनेंशियल टर्म्स आपको बड़ी हार्ड अर्न्ड जो है वो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है कामयाबी मिलती है. तो मैंने बचपन में ये ज़रूर सोचा था कि मैं कामयाब शख्स इंशाल्लाह बनूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा. उसकी शक्ल व सूरत क्या होगी, वो किस सूरत हाल में बनूंगा, वो मुझे इन्विजन नहीं था. आई एम ऑनेस्ट अबाउट दैट. लेकिन जू जू फिर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया और जू जू मैंने ज़िंदगी की सख्तियाँ और मुश्किलात का बड़ी दिलेरी से और बड़ी हिम्मत से जो है वो सामना किया. क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, मोस्टली जो है वो आपको बैक स्टैबर्स, बैक बाइटर्स और लेग पुलर्स जो हैं वो मिलते हैं. और वो अगर आप उसको दुरुस्त तनाजुर में ज़िंदगी में छोटी उम्र में जान पहचान लें, तो असल में ये वो लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी की सीढ़ियाँ रख रहे होते हैं, अगर सिर्फ आपको दुरुस्त तौर पर देखना आ जाए. वो ऐसा है कि ये इट इज़, अगर आपका कोई बड़ा जज्बा हो या आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो ना, तो फिर ये है, दीज आर द पीपल दैट आर पुटिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल ऑन द फायर. यही वो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं कि अब आपने एक बड़ा आदमी बनना है और आपको बनना पड़ेगा. तो फिर ये इन्हीं लोगों की मेहरबानियों की वजह से जो है वो आप और आपका जज्बा बढ़ता है, और फिर आप किसी ना किसी चीज़ को बदलते वक्त हालात के साथ अपनी एज की, अपनी मैच्योरिटी के साथ साथ आप एक वाज़े शक्ल देने में कामयाब होते हैं कि किस स्पेसिफिक एरिया में आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, किस तरीके से जो है वो आप चीज़ों को मज़ीद मेटिकुलसली प्लान करेंगे और स्पेसिफिकली किस तरह आप ग्रो करेंगे. तो ये बदलते वक्त हालात के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी मुश्किलात, बहुत सी ऐसे मसाइल, बहुत सी ऐसे फेसेस किया आपने, बहुत ज़्यादा हार्डशिप जो है वो देखने के बाद सामना किया, सब कुछ मिल गया. नो नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल. ये तो आज का इन्वेस्टर समझता है कि बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है, जो आज का एंटरप्रेन्योर समझता है, तो उसके लिए मैसेज है कि ये सब कुछ आसान ही है. जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं और जितने यंगस्टर्स हैं वो एक चीज सोच लें, चंद मुस्बत चीज़ें जो हैं उनको अपने जेहन में रख लें कि अगर आप मेहनत करें और आप मुसलसल मेहनत करें और वो आप पूरी ईमानदारी से, पूरी दिलेरी से और बड़े हौसले के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप करेंगे, तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह आपको कामयाबी ना दे. बट एट द सेम टाइम अगर आपका जेहन यह है कि आपको कोई शख्स घर आएगा और आपकी झोली में सब कुछ डाल देगा और एक रात में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ये मुमकिन नहीं है और ना ही आपने ऐसे सोचना है.
और अगर आपकी ऐसी खुशकिस्मती है कि आप लाखों या हजारों में से कोई एक ऐसा शख्स बन भी जाता है जिसको ये सारा कुछ बैठे बिठाए मिल गया है, या आपके पेरेंट्स की या आपके बुजुर्गों की लेगेसी के थ्रू मिल गया है, तो तब भी आपके ऊपर बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी है कि आपने उसी को ही इंजॉय नहीं करना बल्कि उसमें अपना रोल प्ले करके अपने आप को जो है वो इन्वेस्ट करके आपने उसको बढ़ाना है, उसकी बेसिस पे जो है वो आपने उधर ही बैठ नहीं जाना। तो ये कभी भी जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड चीजों को नहीं लेना। जितने बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जितनी हमारी नौजवान नस्ल है, वो इस चीज को देख ले कि इंसान के लिए बायसे इज्जत, बायसे इत्मीनान और बायसे रहमत वही चीज है जो उसने अपने हाथों से मेहनत करने के बाद या अपनी जात को इन्वेस्ट करने के बाद जो है वो हासिल किया। बाकी आपकी फिर ये या किस्मत या नसीब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो आपको पहले या बाद में आजमाइश के प्रोसेस से गुजारने के बाद या आपकी देकर आपकी आजमाइश कर रहा है या आपसे लेकर आजमाइश कर रहा है या आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ा रहा है। अल्लाह के फैसले अल्लाह पे छोड़ें, लेकिन अपनी मेहनत जो है वो आपने किसी भी सूरत जो है वो जारी रखनी है। अच्छा मियां साहब, आपके क्रेडिट्स में बहुत सारे केसेस है, ठीक है, बहुत सारे काम है, लेकिन असल में जो लोगों की हार्ट बीट जो थी या जो लोग आम पब्लिक तक अली भाई का नाम पहुंचा है, वो मैं समझता हूँ उसमें क्रेडिट जाता है काफ़ी हद तक इमरान रियाज 100%, ठीक है। तब पता चला कि अली इशफाक साहब कौन है, मुझे भी तब पता चला, ठीक है। अच्छा तो ये कोई एक्सीडेंटली सब कुछ था कि ये भी कोई प्लान का ही साइज को कहीं हम अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से था ये सब? देखें मैं शाहिद भाई आपको बताता हूँ, मैंने 2009 में प्रैक्टिस शुरू की, ठीक है, 9 में प्रैक्टिस मैंने लाहौर से शुरू की और फिर मैं पंजाब भर में गया और उसके बाद 2012 तक मैं इस्लामाबाद भी चला गया, फिर मैं उसके बाद पढ़ने गया, मैं 14 में वापस आया, 14, 15, 16 में मैं वंस अगेन जो है पूरे पंजाब में और पंजाब से बाहर गया, 2017 ऑनवर्ड्स, 17, 18 एंड ऑनवर्ड्स जो है वो 24 तक मैं सिंध में भी प्रैक्टिस कर रहा, तो मैं पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने पाकिस्तान में अब तक सैकड़ों नहीं हजारों मशहूर शख्सियात को जो है वो रिप्रेजेंट किया। अब जहां तक बात रही इमरान की, इमरान और मैं बचपन से दोस्त हैं। अच्छा। और हम बहुत करीबी दोस्त हैं, एक होता है दुनियादारी में एक दोस्त होना, एक होता है बहुत ज्यादा ठोस ताल्लुक होना और बहुत ज्यादा होना, बहुत पुराना ताल्लुक है। जिस वक्त मैं और इमरान जिस वक्त के दोस्त हैं, ना ही इमरान रियाज खान जो है वो सहाफी था और ना ही मैं उस वक्त वकील बना था, बल्कि मैं लॉ का स्टूडेंट भी नहीं था और इमरान भी जो है वो जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी नहीं था, हम इतने पुराने दोस्त हैं। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि इमरान रियाज के जो कोई कानूनी मसाइल हैं उसकी सहाफ़ती जिंदगी में वो भी कोई नए नहीं है, वो 2010, 11, 12, 14, 16 वो बहुत जब से उसका करियर शुरू हुआ उस वक्त से छोटे बड़े उसके मसाइल आते रहे हैं और ये तमाम मसाइल को मैंने इमरान रियाज खान के हमेशा रिप्रेजेंट किया। अब वक्त गुजरने के साथ साथ मैं एक अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब वकील बना और इमरान एक बहुत कामयाब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सहाफ़ी बना और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है जब से उसका रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में जो सफ़े अव्वल का आदमी जो डिजिटल रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो है वो अल्लाह ताला ने जिसको रहमत से अपनी खास रहमत से कामयाबी दी वो इमरान रियाज खान है। तो इमरान रियाज खान के साथ जुड़ी मुंसलिक कोई भी चीज़ जो है उसकी उसकी इतनी बड़ी ऑडियंस की जिसमें उसके मिलियंस नहीं टेंस ऑफ मिलियंस उसके जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, उसके व्यूअर्स हैं, उसके फॉलोअर्स हैं जो उसके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो इमरान को अगर जरा सी कोई सुई भी चुभे या उस पर कोई भी मसला आए और खासकर ऐसा मसला खुदा ना खास्ता आए जिसमें उसकी जिंदगी मौत का सवाल हो तो कोई भी शख्स जब इमरान के साथ जो है वो उस मसले को देखेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज बनेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेरी ग्लोबल रिकग्निशन जो है वो सेटअप हुई वो ऑब्वियसली इमरान रियाज खान के केस की वजह से हुई और जो नेशनल लेवल पे किसी भी शख्स को छोटे से छोटे पैमाने और बड़े से बड़े पैमाने पर तमाम तबका फिक्र के लोगों ने जिस शख्स को जाना पहचाना वो फिर मैं इमरान रियाज खान का जब फर्स्ट टाइम इशू हुआ पाकिस्तान में इन द ईयर 2022 जब इमरान को 18 मुकदमों में जो है 18 जेली मुकदमों में जो है वो इन्वॉल्व किया गया और 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो 18 सजाए मौत के मुकदमे जिसमें 11 ऑफेंसेस में एक FIR हो और उसमें 4 नॉन बेलेबल और 7 बेलेबल ऑफेंसेज हों लेकिन जो उसका सबसे बड़ा ऑफेंस हो प्रिंसिपल ऑफेंस एक मुकदमे का उसमें डेथ पेनल्टी हो और फिर 18 मुकदमे जिसने 18 मर्तबा जो है खुदा ना खास्ता आपको सजाए मौत हो सकती है उस मुकदमे को जिस उन मुकदमात को जिस हिकमत अमली से जिस वजादारी से और जिस स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो हैंडल किया गया उसमें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत बड़ी मौजाना तौर पर कामयाबियां अता की तो वो फिर मेरी एक बेस बना पाकिस्तान में नेशनल रिकग्निशन की और एक ग्लोबल रिकग्निशन की वो बेस था। और फिर अनफॉर्चुनेटली जो है वो इमरान रियाज को पिछले 2-2.5 साल में मुसलसल जो है
एक सवेयर प्रोसेस ऑफ विक्टिमाइजेशन के थ्रू गुजरना पड़ा. सवेयर स्टिल ही स्टिल पासिंग थ्रू दैट. अभी भी वो इस फेज में ही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इंशाल्लाह मेहरबानी करे कि ये जल्दी इस तरह के हालात जो है वो जमीन पर बदले और बेहतर हो. तो ये एक बड़ा लंबा जर्नी जो है वो 2-2.5 साल में जब मैंने इमरान के साथ तय किया कि उसके ऊपर 38 के करीब जो है वो अब तक मुकदमा दर्ज हुए और वो तमाम मुकदमात को अब तक कामयाबी के साथ बड़ी ही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ बड़े हौसले के साथ बड़ी दलेरी और बड़े ही जो है वो हौसले के साथ सब्र के साथ जो है वो डील किया. तो वो एक ऐसी चीज थी कि पूरे मुल्क में आपका जो एक क्रेडिबिलिटी टेस्ट है जो आपका एक प्रोफेशनल कैलिबर टेस्ट है उसके प्रोसेस के थ्रू एक पब्लिक स्क्रूटनी के अमल से गुजरना पड़ा. ये भी मुझे याद है कि जिस वक्त इमरान रियाज जो है उसको एक इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के प्रोसेस से गुजारा गया जब जबरी गुमशुदगी उसकी की गई तो तब भी मुझे अपना पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी बसते हैं पाकिस्तान समेत उनके हाथों बड़ा एक सीरियस स्क्रूटनी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा. मतलब एज ए प्रोफेशनल लॉयर आपके पास अपने क्लाइंट्स की एक बहुत सी प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है जो कि एक प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन होती है वो आप पब्लिक नहीं कर सकते. उसमें सैकड़ों ऐसे सीगे राज होते हैं एसेट हैं और वो ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिसको किसी भी कीमत पे जो है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन दैट यू रिप्रेजेंट आपने जिस शख्स की नुमाइंदगी करनी है उसका जो मफाद है उसका जो जाती उसका जो पेशा वराना मफाद है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जो है वो उसकी आपने इज्जत और तकरीब करनी है और उसकी अहमियत है. तो आप उसकी अहमियत की चाहे आपको पूरा पाकिस्तान भी मिलकर पब्लिक अटैक कर रही हो लेकिन वो आप इंफॉर्मेशन जो है उसको ब्लो नहीं कर सकते या शेयर नहीं कर सकते. तो एक बड़े ही 142 डेज 142 दिन जो है वो मुझे बड़े ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस के ऊपर एक पब्लिक ने जो है वो जज किया मेजर किया लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास मेहरबानी की और पब्लिक ने देखा कि किस तरीके से जो है वो अल्लाह ने हमें कामयाबी नसीब फरमाई. और एक हमारी कामयाबी यही थी कि हम बहुत से लोग जहाँ पे खुदा ना खास्ता ये तासुर बना बैठे थे कि इमरान रियाज अब जिंदा ही नहीं है खुदा ना खास्ता जो है वो अज्यूम किया जा रहा था. एक सैकड़ों र्यूमर्स जो है वो क्रिएट किए गए. उन हालात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना खास मौजज़ा दिखाया कि इमरान हमारे पास वापस आया और उस खास मेहरबानी की वजह से फिर लोगों ने जिस तरीके से एक पब्लिक स्क्रूटनी के टेस्ट से मैं गुजरा उसी तरीके से फिर पब्लिक ने जो है वो हमें जू ही इमरान रियाज की हाँ जू ही मेरी और इमरान रियाज की फर्स्ट पिक्चर जो है वो उसकी वापसी की अपलोड हुई. सो द वर्ल्ड वाज अ चेंज प्लेस. अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की उस वक्त. जी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब जो है ना मेरे अपने ख्याल में दोस्तों के दोस्त हैं और दोस्तियों को भूलते नहीं हैं. बचपन का दोस्त था इमरान रियाज खान जिसके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया कर भी रहे हैं. मेरे साहब ये तो तय हो गया कि आप दोस्तों के दोस्त हैं और दोस्तियाँ निभाने वालों में से है मुझे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया. मेरे साहब आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बहुत काम किया है कर भी रहे हैं आज अली शफाक को आप कहाँ देखते हैं और आने वाले दिनों में हम अली शफाक को कहाँ देखते हैं क्या उसको एज ए लायर देखेंगे क्या एज ए पॉलिटिशियन भी हम देखेंगे आगे. शायद भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. मैं अपनी ज़िंदगी में फ्रॉम द एज ऑफ 24 अभी मैं 40 साल का एक दो महीने में हो जाऊँगा 24 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो सबसे सक्सेसफुल लॉयर्स इस एरिया ऑफ प्रैक्टिस में और इस टाइम में गुजरे हैं अल्लाह ने मुझे उनमें से भी एक बहुत बड़ा नुमाया मकाम दिया है. तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक किसी भी एक कामयाब शख्स की ज़िंदगी की एक टोन सेटअप होनी होती है ना और बहुत बड़े पैमाने पर होनी होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ख़ास रहमतों से और अपनी ख़ास बरकतों से और मेहरबानियों से उस हद तक तो मैं आ गया हूँ. और इसमें कोई शक नहीं अभी मैं जहाँ तक सवाल है कि मैं प्रोफेशनल कैरियर को कंटिन्यू करूँगा या कल को पॉलिटिक्स भी करूँगा तो सूनर और लेटर पॉलिटिक्स तो मेरी मैंने करनी है. बल्कि बेशुमार लोग जो हैं वो मुल्क भर में और मेरे जो ज़ाती दोस्तों में जो बचपन के दोस्त हैं वो मुझसे बड़े सख्त नाराज़ हैं कि मुझे एक पॉलिटिक्स बहुत पहले शुरू करनी चाहिए थी. लेकिन मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि जिस प्रोफेशन से मैंने जो मेरी वाबस्तगी है प्रोफेशनल लाइफ में अभी मैं समझता हूँ कि मैं उसकी जो हाईएस्ट पेडस्टल्स हैं उसकी तरफ जा रहा हूँ और अभी बहुत सा काम बाकी है. तो जब मेरे एक एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैं अपने ही शोबे की हाईएस्ट पीक पे जो है वो छोटी उम्र में टच कर गया हूँ तो फिर ये भी मुमकिन है कि ऑब्वियसली मेरी आई एम अ सीनियर पार्टनर इन वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ फर्म इन पाकिस्तान. तो ये मेरी जो लॉ फर्म है चूँकि इतनी बड़ी है कि अगर सपोजिटली अगर मैं टेम्परेरली ब्रेक भी देता हूँ तो ये मेरा काम साथ साथ चलता रहेगा और मैं पॉलिटिकल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी एट वन पॉइंट इन टाइम आऊँगा. तो सूनर और लेटर जो है जब मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस की पीक पे पहुँच गया हूँ और वो मैंने उस पर हाइस्ट पेडस्टल एट अ सर्टन एज टच कर ली है तो इंशाल्लाह बारक व तआला फ्यूचर में पॉलिटिक्स अभी मेरा इरादा है. अब वो किस सियासी जमात की तरफ से होगा और किस मुनासिब वक्त पे होगा
उसका बदलते वक्त और हालात के तमाम तकाजे देख के यकीनन इंशाल्लाह ही एक अच्छा मुस्तकबिल में लिया जाएगा। और जब भी मैंने जिंदगी में पॉलिटिक्स की, ये आज बात मैं रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो ही नहीं सकता और ये कभी भी नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ कि मैं भी उसी तरह की जो रवायती पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, मौलवी सियासत या जिन्होंने जिन लोगों ने अपनी आप को तरक्की देने के लिए या पैसे कमाने के लिए या शोहरत कमाने के लिए इस पॉलिटिक्स को एज अ टूल इस्तेमाल किया है, तो ये आप जब अगर वक्त और हालात हुए तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि पहली मरतबा मैंने पब्लिकली इस चीज़ को रिकॉर्ड पर रखा है कि मैं कतई तौर पर भी ऐसा सियासतदान ना बनना चाहता हूँ, ना कभी बनूंगा अपनी ज़िंदगी में जो कि अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए या जो है वो पैसे कमाने के लिए या शोहरत कमाने के लिए या पावर हासिल करने के लिए ऐसा काम करूँ। ऐसी सियासत जो है वो इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगी, और जब भी मैं करूँगा तो इंशाल्लाह डके की चोट पे करूँगा और आप देखेंगे डंडे के जोर पे करूँगा और इस तरीके से करूँगा कि आपको नुमाया फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपने आप को मुआशरती तौर पर पेशा बनाना तौर पर और मुआशी तौर पर मुस्तहकम किया है कि मैं ज़िंदगी में जब भी पॉलिटिक्स करूँ तो ये मेरे मसाइल ना हो, यानी कि पैसा कमाना मेरा मसला ना हो, किसी भी असर व रसूख हासिल करना इस मुल्क में मेरा मसला ना हो, ना ही मैं अपने आने वाले जो मेरे ख़ानदान में मेरे बच्चे हैं उनको इस चीज़ की कोई मोहताजी हो। तो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैंने दुआ की और पिछली ज़िंदगी में 20-25 साल जो हैं वो इन्हीं चीज़ों को 100% पहले हासिल वसूल करने में मैंने सर्फ किए हैं और मैं मज़ीद करूँगा। और जब मुझे ये 100% इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में अगर मैं पॉलिटिक्स करूँ, चूँकि जिस अंदाज से और जिस तरीके से मैंने पॉलिटिक्स करनी है उसमें इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो उससे पहले पहले मेरी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ अपनी हद तक नहीं, मेरे बच्चों की हद तक और मेरे खानदान की हद तक भी हो जाए ताकि मुझे कभी भी किसी की मोहताजी ना हो और मैं बिल्कुल साफ सुथरी, जिस तरह एक किसी भी एक साफ सुथरी डेमोक्रेसी में एक अच्छा सियासतदान बन के लोगों की खिदमत करके और मुल्क की खिदमत करके और इस मुआशरे की खिदमत करके अपना रोल प्ले करना चाहता हूँ वैसे ही करूँ, और बिल्कुल बहरूपिया बन के लोगों की तरह कि लोगों को आज आप कहते कुछ हैं, आपके दावे कुछ और हैं, लेकिन आपका जो कॉल और फेल है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ये एक मेरी प्रायोरिटी है, ये मैं पहली मरतबा किसी प्रोग्राम में बताया है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। हाँ, और मैं इंशाल्लाह जो है वक्त और हालात आए तो जब भी वक्त मुनासिब आए इंशाल्लाह करूंगा और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से करूंगा। अच्छा मियां साहब, अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आपको बहुत कुछ दे दिया, लोग शायद आपके जो कलीग्स हो यकीन प्रोफेशनली भी हर जगह पर यह चीज़ें चलती रहती है, वो 60 साल की उम्र में भी ना पा सके हों, और अल्लाह ताला ने आपको वो मुकाम दिया है या शायद कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन 40 नॉटी ठीक है, इसके बाद ये स्टार्ट होने वाला एक है। अच्छा ये सब आप समझते हैं कि CSR हमारे लिए यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया, अपने लोगों ने प्यार दिया है, दुआएं दी हैं, हमारे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, एक टाइम आता है जब आपने रिटर्न करना होता है सोसाइटी को, तो CSR के हवाले से अली मियां अली शफाक क्या समझते हैं कि क्या करना चाहेंगे आप फ्यूचर में? शायद भाई ये मैं पहली मरतबा पब्लिकली बता रहा हूँ, नॉर्मली चूंकि आपका सवाल जो है वो बड़ा मुनासिब है, बहुत अच्छा है, आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उस पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया। नॉर्मली मैं ये पब्लिकली नहीं करता, वो शायद इस वजह से मैं नहीं करता, मुमकिन तौर पर कि उसमें जेन ये होता है कि इस्लाम का एक विजडम है कि आप अगर किसी नेकी किसी एक हाथ से करें तो आपके दूसरे हाथ को भी ना पता लगे, आपकी नेकी की पाकीजगी जो है और उसमें नीयत यह है कि उसका खालिसतन जो हासिल वसूल है वो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ने ही आपको आपकी नेकी का बदला देना है। और जब इंसान जिंदगी में किसी दूसरे शख्स के साथ नेकी करता है तो उसके जहन में ये होता है कि शायद मैं किसी के साथ नेकी कर रहा हूँ, मेरी राय में एक इंसान जब इस पोजीशन में हो कि वो दूसरे के साथ नेकी करे तो वो दूसरे के साथ नहीं करता, वो नेकी अपने साथ कर रहा है, वो रिटर्न होके आती है, वो अपने साथ कर रहा है। अब उसका रिटर्न इस दुनिया में मिले या आखिरत में मिले वो मिलना गारंटीड है, इट्स अ गारंटी, तो वो नेकी अपने साथ कर रहा होता है। आप सिर्फ अल्लाह ने अगर आपको वसीला बनाया और आपको मुस्तहकम किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आपसे काम ले रही है तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरे तमाम ऑफिसेस को लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में और मेरी तमाम टीम के लोगों को बताया कि हम अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा काम का, जब मैंने इस लफ्ज पे जोर दिया ना कि बहुत बड़ा हिस्सा, तो इसका मतलब हकीकतन यही है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम प्रोबोनो करते हैं। अच्छा, यानी कि अगर मुझे जिंदगी में ये पता लग जाए मेरे दोस्तों में, चाहे वो मुआशी या मुआशरती लिहाज से कमजोर है या मुस्तहकम है, कि इनके साथ 100% ज्यादती हो रही है और एक ऐसी सिचुएशन जो उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई है, या वो मेरे इल्म में आ जाए या वो मेरे इल्म में खुद ले आए
और वो मेरे से रابطہ कर लें या वो मेरे से रابطہ ना करें मैं उनसे रابطہ कर लूं, तो बेशुमार ऐसे हालात और वाकयात जिसमें उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, हम उनको कोई फीस चार्ज नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं, ये मैं फर्स्ट टाइम अगेन पब्लिकली मैं इस चीज को बता रहा हूं, पिछले दो ढाई साल में मैं अपने ऑफिस में पाकिस्तान में जिस तरह के एक मुख्तलिफ किस्म के एक नेगेटिव मनफी किस्म के हालात बने हुए हैं, और बहुत से पाकिस्तानी है वाज़े तौर पर जो है वो तस्लीम करते हैं और वाज़े तौर पर जो है इस चीज़ को इसका इजहार करते हैं कि मेरे जैसे जो नौजवान हैं उनकी ज़िंदगी में ये पहली मरतबा हमने इस तरह के संगीन किस्म के हालात देखे हैं। तो इन संगीन हालात में मैंने अपने ऑफिस में पिछले दो ढाई साल में फैसला किया कि मेरा ऑफिस चाहे जो है वो मेरे बाकी सारे पार्टनर्स और टीम जो है वो ऑब्वियसली अपनी कमर्शियल कॉर्पोरेट प्रैक्टिस जो है वो उसी पैशन और उसी रूटीन के साथ जारी रखेंगे, लेकिन जो मेरी टीम है, जो मैं और मेरी टीम जो है तो वो जो सारी पाकिस्तान में क्रिमिनल लिटिगेशन के एरिया को देखते हैं अपने फर्म के बिहाफ पे, और लोगों में हमने देखा कि सैकड़ों नहीं हजारों 10,000, 20,000, 30,000 लोग जो हैं उन पे मेरी राय में एक जली मुकदमा बनने का बहुत बड़ा सिलसिला हुआ। तो हमने उनमें से अभी तक तकरीबन 1,000 से ऊपर लोग जो है 1,000-1,200 लोग जो है उनको हम रिप्रेजेंट करके जेल से निकाल के लेके आए हैं, और उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिनसे हमने बाय आर ओन चॉइस कभी सोचा भी नहीं है कि हमने इनसे कभी कोई फीस चार्ज कर दी है। यहां तक भी मैं आपको बता दूं कि फीस चार्ज करना तो बड़ी दूर की बात है, उनके जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो भी हम खुद बेयर करते हैं। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अल्लाह ने अगर आपको छोटी उम्र में एक अच्छी आपको आपको एक एक अच्छा जहन दिया, अच्छी महारत दी है, अच्छी आपको शनाख्त दी है, तो ये अब आपके ऊपर फर्ज है कि आपने अपनी प्रोफेशनल चैरिटी, आपने अपनी सोशल चैरिटी और आपने अपनी जो फाइनेंशियल जो अल्लाह ताला ने आपको इंडिपेंडेंस दी है, आपने यू हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में तकरीबन 50 के करीब ऐसे मिसिंग पर्सन्स हैं जिनको दो ढाई साल में जो है वो पाकिस्तान से वापस लाने में अहम किरदार अदा किया है, उनको रिकवर जोन से करवाया। मैंने पाकिस्तान में जो इस वक्त पिछले 2 से 3 साल में लोग तकलीफ और मसाइल और मसाइब का शिकार है उनको बगैर किसी फीस के 95% से ज्यादा लोग हैं जिनको कभी कोई जो है ना फीस का तकाजा किया और वो देने भी आए तो उनको कह दिया कि नहीं हमने आपके लिए नहीं किया, हमने अपनी अल्लाह की रजा और अपने जमीर के लिए और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बर्ड्स सोसाइटी उसके लिए किया है। और ये भी मैंने सोचा कि बेशुमार लोग जो है वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी बुजुर्गी की उम्र में निभाते हैं, जब वो 50, 55, 60, 70 के होते हैं, जब जाने का टाइम आता। तो ये मैंने सोचा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमानत है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह ने जब देनी है अल्लाह अपनी विल पे ले, और लेकिन छोटी उम्र में अगर आप ये कर जाएंगे तो ये आपके लिए आपके जमीर के मुताबिक अगर आपने इसी छोटी उम्र में लोगों को पे बैक किया ना, दैट इज गोइंग टू बी अ रीजनेबल थिंग। उस बेसिस पे फिर मैंने और मेरी टीम में तकरीबन 30-40 लोग हैं मेरे ऑफिस में जो सिर्फ एक डेडिकेटेड एरिया ऑफ प्रैक्टिस को देखते हैं। तो हमने पिछले 2-2.5 साल में बेशुमार काम किया है, और सपोजिडली अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में अगर 10 रुपये कमाते हैं तो हमने 2 रुपये कमाना जो है उसको पिछले 2-2.5 साल में 100% तरजीह दी है, और हम बहुत खुश हैं। और जरूरी नहीं कि आपको फीस हमेशा इन कैश मिले और आप पैसे ही लें, जो आपको फीस इन काइंड मिलती है ना, जो लोगों की दुआएं मिलती हैं, आपको अच्छी शनाख्त मिलती है, आपको एक अच्छा पब्लिक इमेज मिलता है, आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो जिंदगी में सिर्फ जो आप कमर्शियल एस्पेक्ट है उसको इग्नोर करें तो बेशुमार लोग बिलियनर्स नहीं ट्रिलियनर्स हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको उस इज्जत से, उस अच्छी शनाख्त से, उस अच्छी शोहरत से उस तरह पहचान नहीं देता जैसा कि अगर आप अच्छी उम्र में छोटी उम्र में अच्छे काम कर देंगे, और अगर आप कम पैसे भी कमा लें कुछ अरसे के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी अच्छी शनाख्त बन गई और आपका ज़मीर मुतमईन हो गया और आपने अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा की जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात भी राजी हो और आपको लोगों की दुआएं मिले, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज जस्ट टेक द दिस रूट। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अल्लाह से तजारत कर रहे हैं, अल्लाह की तजारत जो मल्टीपल होकर आपको मिलती है, और मेरे लिए फख्र की बात है कि इसमें ये वो लाहौरी मुंडे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है या अराई का नहीं है माधुल्हसैन की बस्ती वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे फख्र है आपकी सोच के ऊपर कि आप उस सोसाइटी को लुटाना चाहते हैं जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम पर, और जिस तरह का आपका विजन है मुझे नहीं लगता कि आप फ्यूचर में भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हमद और नासिर रहे, आप जब पॉलिटिक्स में भी आएंगे तो यकीनन आप में वो एक जो आप बता रहे हैं जिस तरह से वो चेंज लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और बावजूद इसके कि जिस तरह से बहुत कम लोग जानते हैं उनके नाजरीन के अली शुआक साहब पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले यानी कि वकील हैं, ये भी एक ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो ये अल्लाह ताला उन्हीं के लिए आसानी करता है जो हर तरफ से अपना काम साफ सुथरा रहता है। सर बहुत सारी बातें और भी है लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये है
कि माशाल्लाह हमारे भतीजे बच्चे जो है आपके और हमारी भाभी को आप किस तरह से टाइम देते हैं इतनी मसूलियत में से, जबकि 18-19 घंटे आप काम करते हैं। शायद भाई ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे सामने रखा है। अनफॉर्चुनेटली मैं शायद अपनी जब इब्तदाई पेशा बनाना जिंदगी है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं सक्सेसफुली जो है चले, जब मैं 2009 में प्रैक्टिस शुरू की तो एट दैट टाइम मेरी इंगेजमेंट हुई हुई थी, 2012 में मेरा निकाह हुआ, मैं चला गया बाहर। पहले 4 साल मुझे बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव चांस मिला वकालत करने का, जब मैं वापस आया तो फिर मेरी 2014 में शादी हो गई। तो फिर मैंने अपनी बेगम से भी एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखो बात यह है, इफ़ यू वॉन्ट मी टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, अगर ज़िंदगी में मैंने कामयाबी हासिल करनी है और मैंने आगे बढ़ना है और मैंने और तुमने मिलके जो है वो ज़िंदगी में मुआशरती मुआशी ज़ाती और ख़ानदानी मसाइल से दूर रहते हुए अच्छे वसाइल के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है, सो दिस इज़ द टाइम दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव मी सम स्पेस, मुझे कुछ ना कुछ स्पेस और सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। एंड आई एम वेरी फ्रेंकली ऑनेस्टली कंसीडिंग यू नो ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत फजल और करम के बाद जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे इन्वेस्टमेंट की, हर अच्छे जो हर माँ बाप जो है अपने औलाद को जो आगे बढ़ाने के लिए तमाम अपने वसाइल में रहते हुए कोशिशें करते हैं वो उन्होंने की, और उसके बाद मेरी मेहनत के साथ साथ जो मेरी बेगम है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर मेरी बेगम जो है वो मुझे टीज और ट्रबल करती तो शायद मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ मेरा जितना मर्जी बड़ा पैशन था, जितनी मर्जी डेडिकेशन थी, मैं कामयाब ना हो पाता। सो मेरी बेगम ने मुझे पहले बड़ा एक लंबा अरसा बर्दाश्त किया, मैंने इसे बर्दाश्त इस तरह किया है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ किए उसमें, सैक्रिफाइसेस किए कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाया, मैं उसको तवज्जो नहीं दे पाया, और फिर जब मेरे बच्चे जो उनसे छोटे थे मैं अर्ली एजेस में उनको भी नहीं दे पाया, वेरी अर्ली एजेस में। लेकिन फिर 2017-18 के बाद जो है हमारे बहुत से बुजुर्गों ने, हमारे दोस्तों ने मेरी भी काउंसलिंग की, अभी एक प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी से गुजर रहे हैं कि देखो बात सुनो, जिंदगी में जो तुम्हारा एंडलेस पैशन है अल्लाह उसको बरकरार रखे, लेकिन वो जिंदगी के मराहल के साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन ये जो तुम्हारी जिंदगी के पहलू हैं, तुम्हारे जाती खानदानी और पहलू जो बच्चों के हैं, वो भी तुम्हारी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है, तो तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू किया, अपने आप को थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त में लेके आया, थोड़ा सा अपने आप को अच्छे तरीके से जो है वो कैरी करना शुरू किया कि 2017-18 से ऑनवर्ड पिछले 7-8 साल से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ जो है वो समर्स में तकरीबन 20-25 दिन या एक महीना, या विंटर्स में तकरीबन 10-15 दिन गुजारूँ, जिससे मेरी और उनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रेंथन हो जाए, या जो वीक बॉन्डिंग है कि जब वो सुबह मेरे बच्चे जो है वो 5:30 बजे उठते हैं और वो 7:45 बजे अपने स्कूलों की तरफ रवाना हो जाते हैं, मैं 7 बजे के करीब उठता हूँ, समटाइम 6 बजे के करीब उठता हूँ, तो उनसे मेरी इस तरह कॉम्प्रीहेंसिव मुलाकात होकर ज़्यादा टाइम नहीं गुजरता, और वो शाम को 7:45 बजे सो जाते हैं, तो वो मैं और हमें सिर्फ वीकेंड्स पर टाइम मिलता है, और उसमें भी अगर मैं खुशकिस्मती से लाहौर में हूँ और अपने घर में हूँ तो मुझे कुछ कैटर के साथ गुजारने का मौका मिलता है। तो ये चूंकि एक रूटीन इस तरह की सेटअप हुई है कि मुझे उनकी जो मेरी और उनकी एज अ पेरेंटल ऑब्लिगेशन है या जो किड्स टूवर्ड्स फादर बॉन्डिंग है उसका सबसे बेहतरीन टाइम ये है कि आइसोलेशन में मैं जब उनको लेके जाता हूँ ना समर्स में और विंटर्स में, तो मुझे फिर वो टाइम फिर एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ गुजारता हूँ, तो जिससे हमारा एक रिलेशनशिप जो है ना वो दोबारा बॉन्डिंग स्ट्रेंथन हो जाती है। और अब मेरे बच्चे जो है, मेरी बेटी 9 साल की है, मेरा बेटा 7 साल का एक्सन कॉलेज में, तो अब इन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया, अभी छोटे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर गए हैं, थोड़े से आदि भी हो गए हैं कि हमारे वालिद की मजबूरियां क्या, और बल्कि अब उनको उनके वालिद की अल्लाह ने मेहरबानी की है कुछ थोड़ी सी बेहतर शनाख्त है, जिसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं बराह रास्त असर उनके स्कूल में उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है, और लोग उनको बताते हैं, उनके टीचर्स बताते हैं, उनके अपने क्लास फेलोज बताते हैं उनके वालिद के बारे में, तो एक अच्छा जो है उनको फीलर आता है, जिससे मुझे कोई ना कोई कंसेशन जो है ना अपने बच्चों के हाथों की मिलना शुरू हुई है। अच्छा अली भाई सॉरी, एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ, मैं उसी बात पर भाभी वाली बात पर आऊंगा, ये कहां तक आप समझते हैं कि ये 1000% दुरुस्त है? एक कामयाब मर्द के पीछे एक नहीं दो अच्छी खवातीन, एक वालदा और एक बेगम, इन दोनों का हाथ जो है बहुत जरूरी है, और मेरे पीछे जो है वो ये दो हाथ नहीं, ये 11 हाथ है, और बल्कि अब मेरी नानो जो है वो फौत हो गई है, मेरी दादो फौत हो गई है, ये भी दो ऐसी खवातीन थी जो मेरी बेगम और मेरी वालदा से ज्यादा मेरे लिए मोहतरम थी, और मैंने अपनी बेगम और अपनी वालदा से भी ज्यादा जो है वो अपनी नानो से मोहब्बत की है, वो चली गई है, लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि वो जहाँ पे भी है मेरी नानी दादी वो भी मेरे लिए हाथ उठाती होगी, और इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% शायद भाई दुरुस्त बात है कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे जो है वो इन खवातीन का और खासकर वालदा और बेगम का 100% हाथ है।
और ये दुआओं की सूरत में भी है, ये सपोर्ट की सूरत में भी है, ये आपकी जिंदगी में, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मैं, मुझे इतना जो स्पेस मिला है आवारागर्दी करने का, जो पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में मैंने वकालत की है, वो अगर मेरी बेगम जो है या मेरी वालदा जो है वो मेरे साथ एज अ पेरेंट्स और बेगम ये मुझसे कॉपरेट ना करते, मैं जो मर्जी हूँ जैसा मर्जी हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं था कि अगर मुझे पीस ऑफ माइंड ना मिला होता और ये स्पेस ना होता, तो आज रिश फाक ना होता, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। सो ऑल द क्रेडिट फॉर राइट, मैंने देखा है राइट, ये स्पोर्ट्स ज्यादा है पीछे जी, ये एक खुशकिस्मती है, अल्लाह की ब्लेसिंग है ना, ब्लेसिंग है लिया जी। नाज़रीन आपने देखा है कि आज अली शफाक साहब मेहमान थे हमारे ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में। यकीन मानिए कि बहुत सारी बातें और भी हैं जो हो सकती हैं, लेकिन टाइम की बंदिश है। इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र जारी है और इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात होगी एक अपकमिंग पॉलिटिशियन से भी, अपकमिंग यानी कि मिनिस्टर से भी, और इसे भी आगे मैं देखता हूँ। मेरी दुआ है इनसे देखे कि इनको मैंने बहुत सादा पाया, ये मेरी अपना पर्सनली यानी कि ओपिनियन है, बहुत सादा पाया है। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। सर, एशियन ट्रेड टीवी का प्लेटफॉर्म हाजिर है ट्रेड कम्युनिटी को, पाकिस्तान के तमाम अदारों को, आज के एंटरप्रेन्योर्स को। सर, आपको मैसेज देना चाहे अली भाई, तो हम ये आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए, जितनी ट्रेड कम्युनिटी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम FBR का डाटा देखें तो पाकिस्तान के जितने तिजारत करने वाले लोग हैं, जितने बिजनेस कम्युनिटी है, इनको अपना रोल इस सोसाइटी और इस मुल्क के लिए मजीद पैदा करने की जरूरत है। आप जू ही जो है वो और बड़े टैक्स पेयर बनेंगे, ये जो गवर्नमेंट है इसको और ज्यादा अकाउंटेबल कर सकेंगे, इसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे ही तो हमारा एक अच्छा मुआशरा और एक अच्छी रियासत, और एक फाइनेंशियली पाकिस्तान इतनी मजबूत रियासत नहीं है, ये एक वीक स्टेट है फाइनेंशियली, बड़ी मजबूत रियासत है ह्यूमन रिसोर्स वाइज, बड़ी मजबूत रियासत है दिफा के लिहाज से, लेकिन मुआशी तौर पर पाकिस्तान एक कमजोर रियासत है। इस कमजोर रियासत को मजबूत बनाने में हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो अपना किरदार अदा करे। आपसे सबसे गुजारिश है कि जितने ज्यादा आप अपने मुल्क में कोशिश करके इतनी मुश्किलात के बावजूद अगर आप जो मौजूदा कारोबार कर रहे हैं इसी की बुनियाद पर अपने कारोबार को मजीद पाकिस्तान में ही फरोग दें, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो शायद इतनी मुतासर को नहीं है अपना कारोबारी अफराद के लिए, लेकिन फिर भी जो है वो हमारा मुल्क यही है, हमने यहीं पे रहना है, हमारी नस्लों ने यहीं पे रहना है, मुल्क को मजबूत करें, रियासत को मजबूत करें, और आप यकीनन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इसको मजीद जो है वो मजीद अपनी तरजीहात में शामिल करके बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और जितने नए नौजवान हैं आप सबसे मेरी गुजारिश ये है, इसको बड़ी अच्छी तरह सुन लें, देख लें और जान लें, देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, ये हो नहीं सकता कि रातों रात आपको कामयाबी मिल जाए। आप लोगों ने इंतहाई मजबूती से, दलेरी से, हर किस्म की रुकावट को बालाए ताक रखते हुए अपने आप को नफसियाती तौर पर, जहनी तौर पर और दिली तौर पर मजबूत करना है। हर मुश्किल का दलेरी से सामना करें, अपने बड़े बड़े विजन, बड़े बड़े ख्वाब देखें जिंदगी में, बहुत बड़े बड़े जो सा गोल देखें, बड़े बड़े एम्बिशंस के साथ उतनी ही बड़ी मेहनत करें, उतनी ही जो सा है वो सख्त मेहनत करने के बाद एक लंबे अरसे तक जो है अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, सिर्फ ना सिर्फ ये कि अपने शहर, अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बैन अवी सतह पर भी कामयाबियां हासिल करें। और इंशाल्लाह बारिक तआला ऐसे ही हम सब मिलके जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा जो है वो दुनिया की एक सफ़े अव्वल की कौम ये पाकिस्तान बन के रहेगा, देर नहीं तो सवेर, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आप सब पर हमेशा मेहरबान हो और आपकी हर किस्म की तकलीफ परेशानी से हमेशा आपको दूर रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नाज़रीन, ये थे मियां अली शफाक साहब, यकीनन आपने सुने होंगे इनकी बातें, ये बहुत इन्जॉय किया होगा, मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात थी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए आज तक इस सफ़र में, और इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।